अरे नेहा, तेरा YouTube चैनल तो बड़ा अच्छा चल रहा है। एक सक्सेस पार्टी तो बनता है। हाँ, चल तो रहा है, बस ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता उसके लिए। क्यों, तू भी इसके जैसे नशा करना शुरू कर दिया है क्या? क्या बोल रहा है? सही तो बोल रहा है, जो तू लिख रहा है उस पे फोकस कर और ये सब छोड़। आजकल कहानियाँ कोई नहीं पढ़ता है, सब कोई सोशल मीडिया में फंसा हुआ है। अरे सोशल मीडिया ये सब कुछ नहीं है भाई, तू नशा करना छोड़, देखना बहुत आगे तक जाएगा। अभी सही बोल रहा है, तू ये सब बंद कर दे। दिशा, उसके हाथ से वो सिगरेट फेंक तो। देखो, एक लेखक को ये सब करना पड़ता है, तुम लोग नहीं समझोगे। बड़े बड़े कहानीकार लेखक थोड़ा बहुत ये सब करता है। अच्छा, गुलजर साहब भी तो इतने बड़े लेखक हैं, कहाँ वो तो नहीं करते। हाँ, तुमको तो सब पता है, तुम्हारे रिश्तेदार जो छड़े। ये लो। Stupid, go to hell. तुम भी तो कम नहीं हो, कोई ऐसे बोलता है क्या? देखा, कहाँ सोचा था सब लोग एक साथ मिलकर बातें करेंगे, पर नहीं, तुम लोग हो कि मेरे को लेके बैठ गए, अब ये दोनों बीच चले गए। तेरे में सच में दिमाग नहीं है नशेड़ी साला, तू भाई ये नशा करना छोड़। भाई सुनना। हाँ बोलना। कल नेहा का बर्थडे है, मैं सोच रहा हूँ कल उसे अपनी मन की बात बता दूँ, तू कृपया करके वहाँ पे कोई सीन क्रिएट मत करना। भाई तू नेहा को मन ही मन प्यार करता है और कल प्रपोज करने वाला है? अरे हाँ भाई, बहुत दिन से सोच रहा था उसे अपनी मन की बात बोल दूँ, पर कहीं मौका नहीं मिला। और पता है भाई, वही मुझसे मन ही मन प्यार करती है। उस दिन उसके घर पे किताब देने गया था, तब वो किसी से फोन पे बात कर रही थी, वो किसी से बोल रही थी कि वो भी मुझे पसंद करती है। तुझे सुनने में कोई गलती हुआ होगा भाई। चुप करो बे तुमने सेरी साला, तू क्या समझेगा प्यार मोहब्बत, तू जाके अपने बोतल संभाल। और सुन, तुझे जो बोला वो याद रखना। मुझे सिखाएगा प्यार मोहब्बत, हर एक कहानीकार प्यार में गिरता है और एक कहानी को आकार देता है, फिर उसी प्यार में धोखा खाकर एक सिलसिला तैयार कर देता है, और ये समझाएगा मुझे प्यार मोहब्बत। नेहा सिर्फ मेरी है, मेरी है, मेरी है। अरे यार, बर्थडे में जाना नहीं क्या? चल। ओह सॉरी सॉरी, हाँ चल। रुक, शायद वो लोग आ गए। बहुत जल्दी नहीं आ गए आप लोग? अब जब आ ही गए हैं तो केक कट लेते हैं। हाँ चलो। अरे वाह, तू तो बड़ा हैंडसम लग रहा है। हाँ हैंडसम तो लगेगा ही, तेरा गुलजार जो है। जस्ट शट अप। आह सोहेल, तू फिर से शुरू हो गया। तो क्या, सची तो बोला। अरे छोड़ो ना यार, चलो जल्दी से केक काटते हैं। I love you, Neha. Will you be my life partner? Yes. क्या हुआ सोहिल, कहाँ जा रहे हो? वो कहाँ गया? एक बार उसको कॉल करो ना। अरे छोड़ो उसे, नशेड़ी चला गया होगा कहीं पर नशा करने, और क्या। चलो नेहा सुनो ना, कल 10 बजे घूमने चलते हैं, ठीक है? रेडी रहना फिर। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है, बाय। कौन? अरे तेरा दोस्त, सिगरेट लेके आया हूँ, जल्दी खोल। रुक, आ रहा हूँ। दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है? अरे बाबा, मैं रेडी हो रही थी ना। अब हो गया ना, चलो फिर। हाँ चलो। The time was given
like presents, one for me and you. Blew out the candles in silence. May the wish come true. I don't know why, but it felt good just being there. Feels like home. It was something, something that she said. पता है मुझे ना कभी कभी सोहेल का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है। अब फिर क्या क्या उसने? उसने मुझे प्रपोज किया था कुछ साल पहले उसके दोस्तों से बुलवा के। सच में? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ सही में बहुत साल पहले की बात है ये। कब की बात है ये? फिर भी जब हम क्लास 5-6 में थे शायद तब की बात है। तब तो तुम लोग बच्चे रहे होंगे ना? हाँ वो भी है। अच्छा उस दिन आपने मुझे अपने मन की बात बताई थी, कहीं उस वजह से तो नहीं गुस्सा हो गया वो? अरे नहीं नहीं, क्लास 5 की बात है किसे याद रहता है, तुम छोड़ो उसकी बात। क्लास 5 से मुझे वो पसंद थी। और 2 दिन का लड़का आके उसे लेके चला जाएगा। नशेड़ी बोलता है ना मुझे। मार डालूंगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे सोहेल के साथ बात करना चाहिए? हाँ करके देख सकते हो। ठीक है मैं अभी जाके उससे एक बार बात कर लेता हूँ। हाँ ठीक है फिर अच्छे से जाना। ठीक है मैं चलता हूँ, बाय। इस बाइक को भी अभी खराब होना था। हेलो। हाँ नेहा सुनो ना, तुम्हारा सोहेल से कुछ बात हुआ है? नहीं बात तो नहीं हुआ है, लेकिन मैंने अभी को भेजा हुआ है। अच्छा ठीक है, हाँ अगर खबर मिले तो मुझे बताना। ठीक है मैं उसको कॉल करके देखती हूँ।